मुरादाबाद महानगर के सिविल लाइन स्थित एनीटॉस कॉलेज में नारी बाल उत्थान समिति और स्कूल प्रशासन की ओर से निशुल्क मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन कराया गया। इस मेडिकल चेकअप कैंप में सभी कक्षाओं के बच्चों का निशुल्क परीक्षण करने के साथ साथ दवाइयां भी वितरित कराई गई। दो दिवसीय इस मेडिकल कैंप का शुभारंभ विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर इंदु पारिक द्वारा किया गया। इस दौरान ये जानकारी दी गई है कि सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट और तीर्थांकर महावीर विश्वविद्यालय के हॉस्पिटल के सभी चिकित्सकों ने पहुंचकर यहां पर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया है और बच्चों को जागरूकता के संदेश भी दिए गए हैं। मुकुल अग्रवाल के सौजन्य से ये शिविर संपन्न कराया जा रहा है। प्रधानाचार्य डॉक्टर इंदु पारिक का ये कहना है कि नया सत्र शुरू हो चुका है और ऐसे में बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित लाभ पहुँचाने के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर दो दिवसीय मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन कराया गया है, जहां पर सभी कक्षाओं के बच्चों को मेडिकल चेकअप करने के साथ साथ उन्हें जागरूकता के संदेश दिए जा रहे हैं और जहां जिस संभव भी मदद करने का प्रयास होगा वो प्रयास भी किए जाएंगे। इस दौरान उनका ये भी कहना था कि हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए टैनीटॉस कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर इंदु पारिक ने बताया, टैनीटॉस कॉलेज में सिंस न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है तो बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ हम लोग हेल्थ पे भी फोकस कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने फ्री कैंप बच्चों के लिए मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया है स्कूल में, जो कि नारी एवं बाल उद्यान समिति ने ऑर्गेनाइज किया। मिस्टर मुकुल अग्रवाल है जिन्होंने यहाँ पे हमारे यहाँ पे मेडिकल कैंप को ऑर्गेनाइज करवाया है, जिसके अंदर डॉक्टर शिवांग महेश्वरी एक पीडियाट्रिक आए हैं और TNU की टीम डेंटल चेकअप के लिए आई है और CL गुप्ता से आई स्पेशलिस्ट आए हैं जो बच्चों को पूरा चेकअप करेंगे। और क्योंकि देखा गया है आजकल बच्चों को आई की प्रॉब्लम रह रही है और डेंटल प्रॉब्लम भी रहती है और पीडियाट्रिक जैसे कि कैल्शियम शॉर्टेज है, आयरन शॉर्टेज है, तो ये डेफिशिएंसीज बच्चों में है लेकिन पेरेंट्स उसके बारे में अभी तक नहीं पता चल पाता है। बच्चों को आए दिन लीव लेनी पड़ती है, बीमार हो जाते हैं तो बाद में जाके पता चलता है आयरन डेफिशिएंसी है, तो ये सब चीजें अर्ली स्टेज में बच्चों को पता चल जाएगी यहीं पे, तो पेरेंट्स भी उसको आगे ध्यान देके उनको मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करी जा रही है जो कि बच्चे ले सकते हैं और टॉनिक्स भी दिए जा रहे हैं। कितने बच्चों का लगभग प्रशिक्षण दिया गया है? पूरे स्कूल में बच्चों का नियरली 1500 चिल्ड्रन है जिनका चेकअप हमारा होगा, ये दो दिन चलेगा, आज और कल भी चलेगा। भविष्य में भी ऐसे प्रयास किए जाएंगे? हाँ बिल्कुल करे जाएंगे, बच्चों का हेल्थ जो इश्यूज है वो हमेशा से रहते ही हैं, तो हम लोग ये कैंप लगा लेते हैं जिससे पेरेंट्स को भी सपोर्ट मिलता है और उनको जो बीमारियां हैं जो भी प्रॉब्लम हो रही है आई को लेके डेंटल को लेके वो डिटेक्ट हो जाती है और बच्चे आगे फॉलो अप उसको पेरेंट्स